नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर मैं अपने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आए हुए मैसेज का जवाब अपनी वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें और विचार करें। मेरे पास मैसेज आया है विष्णु कुमार जी का। इन्होंने लिखा है, साउथ ईस्ट एक्सटेंशन एरिया में ही मैंने गेट लगाया है, ईस्ट साइड में। यानी इनका घर ईस्ट फेसिंग है और घर का साउथ ईस्ट का एरिया एक्सटेंड है और वहाँ पर उन्होंने अपना गेट लगाया हुआ है। जब भी जिस भी घर का साउथ ईस्ट का एरिया ईस्ट की तरफ से एक्सटेंड हो जाता है और सिर्फ वहीं पर गेट होता है, गली की टक्कर वहीं पर आकर बंद होती है, यानी सीधी गेट के अंदर गली आती है, तो मेरा अपना ये मानना है, मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि उस घर के अंदर हमेशा ही फाइनेंस से संबंधित दिक्कत भी बनी रहती है, बेवजह के झगड़े और बीमारी बनी रहती है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आपके यहाँ साउथ ईस्ट के भाग में एक्सटेंडेड एरिया में मेन गेट लगा हुआ है तो कोशिश करें कि आप अपने घर को बदलेंगे तो आपके लिए हमेशा ही फ़ायदेमंद रहेगा। यदि आप बदलने में आज सक्षम नहीं हैं तो आप अपने गेट के ऊपर ग्रीन कलर का पेंट जरूर कराएं, जो आपकी अपनी एक्सटेंडेड जोन है, यानी जो आपका अपना साउथ ईस्ट का एरिया ईस्ट की तरफ से बढ़ा हुआ है, उनकी दीवारों पर भी आप ग्रीन कलर का पेंट करेंगे तो भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। यदि पॉसिबल हो तो आप अपना गेट वहाँ से हटाकर जहाँ आपकी अपनी बाउंड्री वॉल यानी घर की जो एक्चुअल वॉल आती है वहाँ पर अपना मेन गेट लगाएं और गैलरी को बाहर गली में छोड़ देंगे तो उससे भी आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।